Hello everyone, this is Diksha Khare and our subject is graph theory. Now we are starting with our first unit, introduction of graph. Generally, graph is denoted by G is equals to V and E, where V is equals to set of vertices or set of nodes, or sometimes it is also called points, and E is equals to set of edges. Now let us consider our first example of graph. Here this is V1, V2, V3 and V4. This V1, V2, V3, V4 are called vertices, nodes or points. And edges are used to connect two vertices. That is, E1 is used to connect V1 and V2. E2 is used to connect V2 and V3. E3 is used to connect V1 and V3. And similarly, E4 is used to connect V3 and V4. That is, we can say that V is equals to V, that is vertice, is equals to V1, V2, V3 and V4. And E equals to E1, E2, E3, E4. This is called vertices and this is called set of edges. Now we take another example. V1, V2, V3, V4. In this example, vertex are same. That is V1, V2, V3 and V4. But edges are E1, E2, E3, E4 and this is called E5. That means E is equals to E1, E2, E3, E4, E5. In this example, edge is start and end with the vertex V1. If any edge start and end with the same vertex, then it is called self loop. Or sometime it is also called loop. That means if any edge, agar koi bhi edge, ek vertex se start hoti hai aur wo usi vertex pe end bhi hoti hai, to hum aisi vertex, aisi edge ko kya kehte hain? Self loop, ya fir hum usko loop bhi keh sakte hain. Okay? Now we are discussing about types of graph. Basically, graphs are following types, but we are considers some important type of graphs, that is a finite graph. Finite graph means if we count number of vertices and edges of any graph, then the graph is called finite graph. That means आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए और आप उसके वर्टेक्स और एज को काउंट कर ले रहे हैं, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं? फाइनाइट ग्राफ. दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, वर्टेक्स और एज हमेशा क्या होंगे? काउंटेबल. हम जो भी ग्राफ पढ़ेंगे वो सब कैसे होने वाले हैं? फाइनाइट ग्राफ, क्योंकि हम हर ग्राफ में नंबर ऑफ एज और नंबर ऑफ वर्टेक्स को डिफाइन कर सकते हैं, हम उनको काउंट भी कर सकते हैं, तो हम ग्राफ का नाम क्या देंगे? फाइनाइट ग्राफ. इसका जस्ट उल्टा हमें एक ग्राफ और दिया गया है, दैट इज कॉल्ड इनफाइनाइट ग्राफ. इनफाइनाइट ग्राफ का मतलब होता है कि अगर हमें कोई भी वर्टेक्स दिया जाए और वहां पे हम एज और वर्टेक्स को काउंट नहीं कर सकते हैं, दैट मींस एज और वर्टेक्स की वैल्यू अगर अनकाउंटेबल है, तो हम उसको क्या कहते हैं? इनफाइनाइट ग्राफ. मैंने अभी अभी कहा कि हम जितने भी एग्जांपल्स पढ़ने वाले हैं वो सारे एग्जांपल्स क्या होंगे? फाइनाइट, क्योंकि हम एज और वर्टेक्स को काउंट कर लेंगे. आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 एज बनाएंगे, आप ज़्यादा से ज़्यादा 20 वर्टेक्स बना सकते हैं, 30 वर्टेक्स बना सकते हैं, तो हम सबको काउंट कर सकते हैं. इसलिए हम जो भी ग्राफ पढ़ने वाले हैं वो कैसे ग्राफ हैं? फाइनाइट ग्राफ. क्लियर? हमें जो नेक्स्ट टाइप का ग्राफ दिया गया है, नेक्स्ट हमें
ग्राफ प्रोवाइड किया गया है, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि अगर आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए और आपकी हर एज के बीच में डायरेक्शन एसोसिएटेड हो, ए बी सी एंड डी, दिस इज ई वन ई टू ई थ्री एंड ई फोर। अगर जो भी एज आपकी दी गई है, मैं कहूँ अगर मेरी पहली एज दी गई है ई वन और यहाँ पे एक डायरेक्शन हमें एसोसिएट किया गया है कि हम बी वर्टेक्स से ए वर्टेक्स पे जा रहे हैं, हम ए वर्टेक्स से सी वर्टेक्स पे जा रहे हैं, हम बी वर्टेक्स से सी वर्टेक्स पे जा रहे हैं, हम डी वर्टेक्स से सी वर्टेक्स पे जा रहे हैं, दैट मीन्स हर एज क्या एसोसिएट कर रही है, हर एज हमें एक डायरेक्शन को एसोसिएट कर रही है कि हम पर्टिकुलर किस वर्टेक्स से किस वर्टेक्स की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी सेल्फ लूप दिया जा सकता है, दैट मीन्स आपको कुछ ये लूप भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। इसका जस्ट उल्टा हमें कौन सा ग्राफ दिया गया है, हमें जो नेक्स्ट ग्राफ दिया गया है दैट इज डायरेक्टेड ग्राफ। अनडायरेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है आपको कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं होगा। अगर ये ए बी सी और डी है, मैंने यहाँ पे लिखा इवन एज है जो ए और बी को कनेक्ट करी है, तो इस केस में आप ये नहीं बता सकते हो कि इवन ए को बी से कनेक्ट कर रही है कि बी को ए से कनेक्ट कर रही है। वो ए को बी से भी कर रही है और बी को ए से भी कर रही है, हमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं दिया गया है, तो ऐसे ग्राफ को हम क्या कहते हैं, अनडायरेक्टेड ग्राफ। दैट मीन्स आप कह सकते हो अनडायरेक्टेड ग्राफ में कोई भी डायरेक्शन एसोसिएट नहीं किया जाता है एज के थ्रू, एज कोई भी डायरेक्शन हमें एसोसिएट करके नहीं देती है अनडायरेक्टेड ग्राफ में। क्लियर। अब हमें नेक्स्ट जो निकालना है टर्म वो है डिग्री। आपको कोई भी ग्राफ दिया जाए और आपसे कहा जाए आपको उसकी डिग्री निकालनी है, तो आप ये ध्यान रखिएगा डिग्री हम हर वर्टेक्स की निकालते हैं। दैट मीन्स हमें ग्राफ में जितने भी वर्टेक्स दिए जाएंगे हम उन सब वर्टेक्स के लिए डिग्री को फाइंड आउट करते हैं। जो बेसिकली ग्राफ था वो अनडायरेक्टेड और डायरेक्टेड था, तो मैं अनडायरेक्टेड ग्राफ की बात पहले करती हूँ, फिर हम डायरेक्टेड ग्राफ में आएंगे, क्योंकि दोनों की डिग्री निकालने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। जब भी हमें डिग्री डिनोट करना होगा अनडायरेक्टेड ग्राफ की, तो हम लिखते हैं डी ई जी, डी ई जी रिप्रेजेंट डिग्री, एंड ब्रैकेट में हम वर्टेक्स को डिफाइन करते हैं कि हम किस वर्टेक्स के लिए निकालने जा रहे हैं डिग्री। मैंने एक ग्राफ बनाया, आप कैसे भी ग्राफ बना सकते हो। यहां मैंने नाम दे दिया वी वन वी टू वी थ्री एंड वी फोर। ओके, इस ग्राफ की अगर मुझे डिग्री निकालने को दिया जाएगा तो हम हर वर्टेक्स की डिग्री निकालेंगे। तो मैंने पहली डिग्री किसकी डिफाइन किया, डिग्री ऑफ वी वन। नेक्स्ट मैंने डिफाइन किया डिग्री ऑफ वी टू, अगेन डिग्री ऑफ वी थ्री, एंड एट लास्ट डिग्री ऑफ वी फोर। किसी भी ग्राफ की डिग्री का मतलब होता है उस वर्टेक्स से जितनी भी एज कनेक्टेड हैं, हम उसको उसकी डिग्री कहते हैं। अगर मैं वी वन की बात करूं तो वी वन में आप चेक कर सकते हो सिर्फ एक एज कनेक्टेड है, कौन सी, ये वाली। तो किसी भी वर्टेक्स में जितनी भी एज कनेक्टेड होगी हम उसको उसकी डिग्री कहते हैं। वी वन में सिर्फ एक एज गई हुई है, दैट इज वी वन टू वी टू, तो वी वन की डिग्री क्या हो गई, वन। सेम इसी तरह अगर मैं वी टू के लिए निकालूं तो वी टू से आप काउंट कीजिए कितनी एज गई हुई है, एक तो वी टू से गई हुई है वी वन की तरफ और दूसरी वी टू से कहां गई हुई है, वी थ्री की तरफ। That means V2 से दो एज कनेक्टेड है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, टू। सेम अगर मैं V3 की बात करूँ तो V3 से एक V2 पे एज गई हुई है और एक एज कहाँ गई हुई है, V4 में, तो इसकी भी डिग्री हो जाएगी टू। और एट लास्ट अगर आप V4 की बात करोगे तो इससे सिर्फ एज एक एज गई हुई है V3 की तरफ, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, वन। क्लियर। अब कोई ये भी कह सकता है आपसे कि हमें अनडायरेक्टेड ग्राफ में सेल्फ लूप प्रोवाइड किया जाए। पूछिए, मैंने यहाँ दिया V1, यहाँ V2, एक सिंपल सा ग्राफ मैंने बनाया और मैंने कहा यहाँ पे सेल्फ लूप भी दिया गया है। इस केस में जब भी आपको सेल्फ लूप दिया जाएगा, यहाँ पे दो वर्टेक्स है तो पहला आ जाएगा डिग्री ऑफ V1 और नेक्स्ट क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ V2।
अगर मैं V1 की बात करूं तो यहाँ पे कोई सेल्फ लूप कुछ भी आपको नहीं दिया गया है, तो V1 से सिर्फ एक एज गई हुई है, तो V1 की डिग्री आप आराम से 1 लिख सकते हो। वहीं अगर मैं V2 की बात करूं तो यहाँ पे एक एज आप देख सकते हो V2 से V1 पे गई हुई है, और दूसरा इसी के ऊपर क्या है, सेल्फ लूप। आप ध्यान रखिएगा, जब भी आपको कोई भी सेल्फ लूप दिया जाए किसी भी वर्टेक्स में, तो सेल्फ लूप डिग्री में 2 काउंट होता है। दैट मीन्स जहाँ पे भी सेल्फ लूप होगा उसकी डिग्री हम क्या कर देंगे, 2 और बढ़ा देंगे, 2 ऐड कर देंगे। तो V1 से एक तो कनेक्ट था ये, तो एक ये इसके लिए हम कंसीडर करेंगे, और एक सेल्फ लूप है, तो सेल्फ लूप को मैंने 2 माना, तो इसकी टोटल डिग्री क्या हो गई, 3। तो हमेशा हमें ध्यान रखना होगा सेल्फ लूप की डिग्री क्या होती है, ट्वाइस। जितनी और एज कनेक्टेड है आप उसको ले लीजिए, और जो सेल्फ लूप गया है उसको ट्वाइस आप हमेशा काउंट करेंगे। क्लियर? अगर हमें एक ग्राफ दिया गया था विदाउट सेल्फ, ये दिया गया था मुझे, ओके ये क्लियर है। अब मैं नेक्स्ट कहूँ, एक छोटा सा पॉइंट दिया गया है, दैट इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। हमें नेक्स्ट जो दिया गया है वो क्या दिया गया था, इसी में आइसोलेटेड वर्टेक्स क्या होता है। आइसोलेटेड वर्टेक्स का मतलब होता है अगर आप किसी भी वर्टेक्स की डिग्री निकालिए, कोई भी वर्टेक्स, और उस वर्टेक्स की डिग्री क्या है, 1, तो हम ऐसे वर्टेक्स को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। ये डिग्री से ही अटैच है, इसीलिए मैंने यहीं पे आपको समझा दिया कि अगर आप कोई भी वर्टेक्स की डिग्री निकाल रहे हैं और वो डिग्री आपकी 1 आती है, तो आप ऐसे वर्टेक्स को क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। जैसे इस एग्जांपल पे आप चेक करेंगे तो ये V1 की डिग्री क्या है, 1, तो V1 इज कॉल्ड आइसोलेटेड वर्टेक्स। अगर मैं प्रीवियस एग्जांपल पे जाऊंगी तो प्रीवियस एग्जांपल में V1 और V4 इनकी डिग्री 1 है, तो ऐसे वर्टेक्स को हम क्या कहते हैं, आइसोलेटेड वर्टेक्स। क्लियर? हमें जो नेक्स्ट दिया गया है, नेक्स्ट हमें दिया गया है पेंडेंट वर्टेक्स। पेंडेंट वर्टेक्स का मतलब है अगर आपको कोई भी वर्टेक्स दिया जाए और उस वर्टेक्स की डिग्री क्या हो जाए, 0, तो हम ऐसे वर्टेक्स को कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। जैसे मैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल लूं तो मेरा ग्राफ दिया गया था ये सिर्फ दिया गया, इसका मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक वर्टेक्स दिया गया है, कोई भी एजेस नहीं दी गई है। अगर मैं इसकी डिग्री निकालने जाऊंगी तो इसकी डिग्री कोई भी एज नहीं है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई आपको, 0, और अगर डिग्री 0 है तो हम ऐसे वर्टेक्स को कहते हैं पेंडेंट वर्टेक्स। क्लियर? ये पूरा जो भी हमने पढ़ा था किसके लिए पढ़ा था, अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए पढ़ा था। अब जो मुझे नेक्स्ट पढ़ना है वो हमें किसके लिए पढ़ना है, हमें डिग्री पढ़ना है अब की बार डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। जब भी हम डायरेक्टेड ग्राफ में आते हैं तो डायरेक्टेड ग्राफ की डिग्री को 2 पार्ट में रखा गया है। पहले हम इसकी इन डिग्री डिफाइन करते हैं, नेक्स्ट हम इसके लिए आउट डिग्री निकालते हैं। इन डिग्री को रिप्रेजेंट करने के लिए आप लिखते हो DGVI, जैसे आप लिखते थे एज इट इज वैसे ही लिखो, यहाँ पे भी मैंने अभी वैसे ही लिखा। इन डिग्री जब भी मुझे रिप्रेजेंट करना होगा तो यहाँ मैं माइनस का यूज कर देती हूँ, और यहाँ पे मैंने किसका यूज किया, प्लस का। तो जब भी हम इन डिग्री रिप्रेजेंट करेंगे तो डिग्री के ऊपर मुझे माइनस सिंबल का यूज करना होगा, और जब भी मैं आउट डिग्री की बात करूंगी तो मुझे उसके ऊपर किस सिंबल का यूज करना होगा, प्लस सिंबल का। एक छोटे से एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं कि इन डिग्री आउट डिग्री हम कैसे निकालने वाले हैं। यह हमें दिया गया था डायरेक्टेड ग्राफ, ओके। मैं पहले इन डिग्री आपको बताऊंगी, उसके बाद हम उसी के लिए क्या निकालेंगे, आउट डिग्री। ये ध्यान रखिएगा कि हर वर्टेक्स के लिए आपको इन और आउट दोनों निकालना है। इनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने माइनस का यूज किया। मैं सब पहले हम लोग लिख लेते हैं सब, फिर 1 by 1 हम लोग काउंट करेंगे कितनी एजेस कनेक्टेड है उससे। जब भी हम किसी भी वर्टेक्स के लिए इन डिग्री फाइंड आउट करते हैं तो इन डिग्री का मतलब हो रहा है जितनी भी एजेस उस वर्टेक्स पे इन हो रही है। इन होने का मतलब अगर मैं कहूँ कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स पे जितनी एजेस आ रही हैं हम उसको इन डिग्री में काउंट करते हैं, ओके। तो जस्ट उल्टा आउट क्या हुआ, आउट समझ में आ गया होगा आपको। आउट का मतलब है उस वर्टेक्स से जितनी एजेस जा रही हैं वो उसकी आउट डिग्री में आएगा, और जितनी एजेस उस पे इन हो रही हैं वो इन डिग्री में आएगा।
पहले वर्टेक्स ए की बात करते हैं कि वर्टेक्स ए में एजेस आ कहाँ से रही हैं। आप चेक करोगे तो एक एज बी से आ रही है, एरो ए की तरफ है, दैट मीन्स वो इन हो रही है। ओके एक एज सी से आ रही है, जब मैंने टोटल काउंट किया तो इसकी इन डिग्री क्या हो गई, 2। वर्टेक्स बी की अगर हम बात करें तो वर्टेक्स बी में कुछ आ नहीं रहा है, आप चेक करो वर्टेक्स बी की तरफ कोई भी एरो नहीं है, दैट मीन्स इसमें कोई भी एज आ नहीं रही है, इन नहीं हो रही है, तो मुझे इसकी डिग्री को क्या लिखना होगा, इन डिग्री को 0। नेक्स्ट आते हैं हम वर्टेक्स सी के लिए, वर्टेक्स सी में आप चेक करोगे बी से आ रही है, अगर बी से आ रही है तो इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 1। क्लियर, इन डिग्री का मतलब जो भी एजेस आती हैं। अब हम नेक्स्ट निकालने जा रहे हैं सबके लिए आउट डिग्री। आउट डिग्री का मतलब इनका जस्ट उल्टा, जितनी एजेस जा रही हैं। अगर आप ए की बात करो तो ए से कोई भी एजेस आप देखो जा नहीं रहे, सिर्फ ये दो आ रही थी बट कोई भी आउट गोइंग एजेस नहीं है। आउट गोइंग एजेस नहीं है तो ए की आउट डिग्री क्या हो जाएगी, 0। अगर मैं बी के लिए बात करूं तो बी से आप चेक करोगे तो बी से एक जा रही है ए की तरफ, एक आउट हो रही है, और दूसरी किसकी तरफ जा रही है, सी की तरफ जा रही है। ओके तो टोटल काउंट किया मैंने तो इसकी आउट डिग्री हो गई 2। अगर मैं सी के लिए बात करूं तो सी से आप चेक करोगे एक जा रही है ए की तरफ, आप इसको काउंट करोगे तो क्या आएगा, 1। दिस इज इन डिग्री एंड आउट डिग्री। और अगर आपको थोड़ा सा चेक करना है कि आपने जो निकाला है वो सही है कि नहीं, तो उसके लिए ये हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप इन डिग्री का टोटल करेंगे, आप यहाँ टोटल करेंगे तो क्या आएगा, 3, और जब भी आप आउट डिग्री का टोटल करेंगे यहाँ पे तो क्या आया, 3। दैट मीन्स हमेशा सम ऑफ इन डिग्री का जो भी सम आएगा वो हमेशा सम ऑफ आउट डिग्री के बराबर होना चाहिए। इनकी आपस की वैल्यू बड़े बराबर ना हो, आप चेक कर सकते हो यहाँ की एक की इन डिग्री 2 है और यहाँ पे एक की इन डिग्री क्या है, 0, बट जब भी आप इन सारे वर्टेक्स की इन डिग्री और आउट डिग्री का सम निकालेंगे तो वो वैल्यू हमेशा क्या होगी, वो वैल्यू हमेशा इक्वल होनी चाहिए। क्लियर, एक एग्जाम्पल और डिस्कस करते हैं, क्योंकि अभी मैंने इसमें आपको लूप नहीं बताया, हमें लूप पे भी जाना है, लूप के भी क्वेश्चन हमारे सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, मैं एक अनदर एग्जाम्पल लेती हूँ कुछ ये, इन डिग्री आउट डिग्री दोनों निकालते हैं। अब मुझे बताने की शायद जरूरत नहीं पड़ेगी, मैंने यहाँ पे ऊपर माइनस लगाया है तो आप समझ जाओगे माइनस का मतलब क्या होता है, इन डिग्री, और इस साइड हम आउट डिग्री को डिफाइन करते हैं। ए के लिए अगर मैं इन डिग्री कहूँ तो एक बी से एज आ रही है और एक एज कहाँ से आ रही है, सी से आ रही है, दैट मीन्स इसकी इन डिग्री क्या हो गई, 2। मैं सी पे आती हूँ, सी के लिए अगर आप निकालोगे तो सी पे एक इन हो रहा है ए वर्टेक्स से और एक बी वर्टेक्स से आ रहा है, तो ये भी क्या हो गया, 2। अब आते हैं सेल्फ लूप में, अगर आप बी में चेक करेंगे कि इन कहाँ से हो रहा है तो इन आप देखोगे ना ए से इन हो रहा है ना सी से, कहीं से इन नहीं हो रहा था, बट जब भी आपको सेल्फ लूप दिया जाएगा तो ये ध्यान रखिए सेल्फ लूप हमेशा इन डिग्री में भी एक वैल्यू लेके जाता है और ये हमेशा आउट डिग्री में भी क्या लेके जाता है, 1। दैट मीन्स जब भी आपको इसकी इन डिग्री सेल्फ लूप की दी जाएगी तो आप उसकी इन डिग्री में भी एक ऐड कर देंगे और उसकी आउट डिग्री में भी क्या ऐड कर देंगे, 1। बी में हमने चेक किया, बी में ना ए से आ रहा था ना सी से आ रहा था बट एक सेल्फ लूप था, तो एक सेल्फ लूप क्या कंसिडर हो गया, 1 इन डिग्री। आउट डिग्री में आते हैं, ए में आउट क्या हो रहा है, ए में 1 आउट हो रहा है कहाँ, सी की तरफ, तो इसकी आउट डिग्री हो गई 1। अगर मैं बी के लिए काउंट करूँ तो एक ये आउट हो रहा है ए की तरफ, बी टू ए, एक आउट हो रहा है बी टू सी, 2 हुआ, और सेल्फ लूप भी एक काउंट होगा तो क्या आ जाएगा, टोटल 3। अगर आप सी की बात करोगे तो सी में सिर्फ एक आउट हो रहा है कहाँ, ए की तरफ आउट हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, फिर से आप चेक कर सकते हो, अगर मैंने इसका टोटल निकाला इन डिग्री का तो क्या आया, 5, और अगर मैंने इनका टोटल निकाला तो ये भी वैल्यू क्या आई हुई है, 5।
That means sum of in degree is always equals to sum of out degree. हमें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि जब भी हमें सेल्फ लूप दिया जाएगा तो सेल्फ लूप में हम डायरेक्टेड ग्राफ में इन डिग्री में भी एक भेज देते हैं और आउट डिग्री में भी एक वैल्यू को कंसीडर कर लेते हैं. ओके, देन नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे पढ़ेंगे हम. थैंक यू.